हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन स्ट्रीट। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना ये साड़ी लुक। ये मेरी मम्मी की साड़ी वेयर की है। जिसको अपनी मम्मी की साड़ी पहनना अच्छा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने इसके साथ में ऑक्सीडाइज बैंगल्स वेयर किए हैं, एडी का कड़ा वेयर किया है और इस साड़ी को मम्मी ने डिज़ाइन किया था। ये नेट फैब्रिक पे मम्मी ने पतली सी लेस लगाई है जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। डिज़ाइन आप साड़ी की देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही लाइट वेट है। अगर आप अभी साड़ी पहनने में बिगनर्स हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके लिए ये साड़ी बहुत ही अच्छी है। इस तरीके के फैब्रिक आप आराम से कैरी कर सकते हो। मुझे भी बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था इसे पहनने के बाद। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था या खुल जाएगी या मैं संभाल नहीं पाऊँगी। और पहनने के बाद इतनी खूबसूरत लग रही थी ये, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आता है और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितने की है। ये सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ में रेडी हो गई थी। ब्लाउज़ अलग से लिया है, सिल्वर कलर का ब्लाउज़ है, हल्का शिमरी वाला जो कपड़ा आता है ब्लाउज़ का, मम्मी ने वो लगाया है इसमें। शायद आप लोग देख पा रहे हो, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे फुल स्लीव्स पहनना अच्छा लगता है साड़ी में, तो मेरी और मेरी मम्मी को फुल स्लीव्स ही पसंद हैं। तो ज़्यादातर मेरी और मम्मी की साड़ियाँ फुल स्लीव्स में ही होती हैं। और ये फैब्रिक इतना सॉफ्ट है कि मन ही नहीं कर रहा था साड़ी उतारने का, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन लोगों के लिए साड़ी तो बहुत ही अच्छी है जो टीचर्स हैं, अगर स्टूडेंट को पढ़ाती हैं जो टीचर्स, उनके स्कूल में ये साड़ियाँ ही अलाउ हैं। तो वो आराम से इस तरीके की 4-5 बना लें आप 250 रेंज में, और आप रोज़ डेली बदल के पहन के जाएंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल लुक है। और जो कॉलेज गर्ल्स हैं, फेयरवेल पार्टी है उसमें आप पहनना चाहती हैं, तो उसमें तो बहुत ही गजब। ये बुध बाज़ार से मम्मी ने मीटर्स में कपड़ा लिया था। ये 5 मीटर 250 रुपीज़ का मिला था, जो बहुत ही अफोर्डेबल है। आप आराम से इसे बाय कर सकते हैं। आप इस तरीके की साड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बुध बाज़ार में, बाज़ार में थर्सडे मार्केट लगती है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा 250 रेंज में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये मैं वीडियो बना रही थी, मेरी भतीजे को बहुत ज़ोरों की नाक पे लग गई, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा रो रही है। तो मेरा कैमरा ऑन था, मैंने उसे कैमरा दिखाया तो वो चुप हो गई, उसकी नाक पूरी रेड हो गई थी चोट से। बहुत ही क्यूट है, ज़ोरों की लगी थी उसको नाक।